लिफ्ट के चैनल गेट में सिर फंसने से एक बाल मजदूर को जान गंवानी पड़ी। यह दर्दनाक हादसा जगनाड़ी चौक स्थित अनुसया मंगल कार्यालय में हुआ। पुलिस ने मंगल कार्यालय संचालक दंपति सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संघर्ष नगर निवासी 16 वर्षीय सुजल दिलीप कुमार गुप्ता 10वीं का छात्र था। उसके पिता छोटी दुकान चलाते हैं। स्कूल बंद होने और परिवार की आर्थिक अवस्था के चलते सुजल कैटरिंग ठेकेदार कन्हैया पटेल के पास काम करता था। 20 नवंबर को अनुसया मंगल कार्यालय में विवाह समारोह था। उसके कैटरिंग का ठेका कन्हैया पटेल को मिला था। सुजल सुबह 11:30 बजे लिफ्ट से कैटरिंग का सामान लेकर निचली मंजिल पर जा रहा था। इसी दौरान लिफ्ट के चैनल गेट में फंस गया। सुजल के सिर पर गहरी चोट आ गई। लिफ्टमैन नहीं होने से घटना का तत्काल पता नहीं चल पाया। सुजल को निजी अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नंदनवन पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। जांच में कैटरिंग ठेकेदार और मंगल कार्यालय संचालक की लापरवाही सामने आई। लिफ्ट में सेफ्टी डोर नहीं था, यदि यह लगा होता तो सुजल का सिर चैनल गेट से नहीं टकराता था। इसी तरह लिफ्ट मैन भी तैनात नहीं किया गया था। त्याने सुजान उर्फ रोहित दिलीप गुप्ता या 16 वर्षाच्या मुलाला कटिंगच्या कामासाठी आले होते। तो चौथ्या मजल्यावरून लिफ्टमध्ये कटिंगचं सामान घेऊन जात असताना तिसऱ्या मजल्या ते दुसऱ्या मजल्यात येणार, त्याचे डोकं लिफ्टच्या कॅनलमध्ये फसलं आहे। त्याचं तो जखमी झाला, त्याला दवाखान्यात नेलं, तर डॉक्टरने मृत घोषित केले। सदर घटनेमध्ये मंगलकार्याचे मालक कन्हैया ठेकेदार यांनी निष्काळजीपणा केल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्याचा मुलगा हा संघर्ष नगर येथे राहणार असून त्याचे वडील लेबर काम करतात। त्यामध्ये तीन आरोपी अटक करण्यात आले, लेबर ठेकेदार अटक करण्यात येत आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN न्यूज नागपुर।